जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये SSC GD में आके कहीं मैं फंस ना जाऊं, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है और आपको बोल के भी बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेज आने लगे हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियों का। क्योंकि लोगों को क्या है कि हजम नहीं हो रहा कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि SSC GD की जैसे जॉब प्रोफाइल कैसी है, उनको इस प्रकार से बताते हैं कि लड़कियों के लिए जॉब अच्छी नहीं है या लड़कों के लिए भी ये जॉब अच्छी नहीं है, अगर आप दूसरे की तैयारी कर सकते हो तो ये इस जॉब में इतना पंगा है। कईयों के घर वाले भी बोलते हैं कि BSF ज्वाइन नहीं करना, कुछ बोलते हैं CRPF ज्वाइन नहीं करना, कोई बोलते हैं IT BP ज्वाइन नहीं करना, कोई बोलता है असम राइफल ज्वाइन नहीं करना। ये ऐसा आपके साथ में 100% हो रहा होगा, इसकी मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों नहीं किया भाई, इतना अच्छा चैनल है, वहाँ पे नई नई वैकेंसी के मैं अपडेट देता रहता हूँ, फिर भी नहीं किया है। अगर आपको नहीं जरूरत है तो आपके छोटे भाइयों को जरूरत है, उनको शेयर करिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये कथन सही है। दोस्तों 100% होता होगा जिसको BSF मिली है, जिसको CRPF मिली है, जिसको असम राइफल मिली है, जिसको ITBP मिली है। CISF वालों की तो मैं नहीं बोल रहा, बाकी इन सभी फोर्सों के नाम पे आपको ये 100% कोई ना कोई डराता होगा कि इनकी जॉब अच्छी नहीं है। कईयों के तो घर वाले जिनके नंबर आ गए, मेरे को कई मैसेज और कॉल आ गए कि सर मेरे को ये मिल गई है, मेरे को BSF मिल गई है, मेरे को CRPF मिल गई है, मेरे को ITBP मिल गई है, मेरे को असम राइफल मिल गई है, सर ये फंस नहीं जाऊँ कहीं मैं आके, मेरी तैयारी और अच्छी है, मैं और कुछ कर सकता हूँ, या स्टेट पुलिस में चला जाऊँ, मैं स्टेट पुलिस का मेरे आने वाले एग्ज़ाम है। कुछों ने BED करके बोल रहे हैं सर हम टीचर का दे लें, क्या ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो जाएगी। कुछ को ये क्वेश्चन रहता है कि सर कैसे भी करके हमारा एक मार्च में रैली है या मार्च में वैकेंसी, उसमें हम फॉर्म दे रहे हैं, इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दोस्तों आपके मन में 1000 डाउट होंगे मेरे ख्याल से, या 1000 क्या 2000 होंगे, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहिए और ऐसे डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी 100% गारंटी है। वारंटी हम लेते ही नहीं, गारंटी लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं 100%। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि डाउट पैदा होने के रीज़न क्या है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण है ना कि आसमान से टपकार खजूर पे लटका, तो अभी आप खजूर पे लटक रहे हो, तो जो कोई भी आला आपको हिला के जा रहा है। दोस्तों इसमें दो चार चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो लोग खुद ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों को कटाक्ष बोलते हैं, दूसरों की कोई भी चीज़ अगर आप करोगे जीवन में उनको कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। उसका एक रीज़न मैं आपको बता देता हूं। अभी जैसे कितने मिनट का टाइम हुआ है, 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास का टाइम हुआ है, 40-45 सेकंड के आसपास। एक बार नीचे आप लाइक बटन चेक कर लीजिए, इसमें 10 से 12 डिसलाइक आ गए होंगे, जबकि अभी तक मैंने ऐसे कोई बात बोली नहीं जिसमें डिसलाइक किया जाए। आप इस बात पे एग्री करोगे, लेकिन आप देख लीजिए एक बार डिसलाइक आ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होती दूसरे से, इनको सिर्फ लोगों को कटाक्ष बोलना होता है, नेगेटिव बोलना होता है, उनका मनोबल तोड़ना होता है। इसीलिए जैसे वो केरिमिनाटी भाई बोलते हैं ना कि दुनिया तो थी है और रहेगी, तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा, जो लोग आपसे जलते हैं वो भी ये बोलेंगे कि ये जॉब, अरे ये कोई जॉब होती है क्या, ये कोई जॉब होती है क्या, ये लड़कियों के लिए कोई जॉब, आपके घर वालों को ज़्यादा बोलेगा। लेडीज़ मंडल में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरी गारंटी है मेरी। आपकी माँ को पक्का आपकी माँ ने ये बोला होगा आपको कि बेटा वो उसने ऐसा बोला कि ये जॉब अच्छी नहीं है, 100%। क्यों? क्योंकि लेडीज़ क्या होते हैं, कान के थोड़े से कच्चे होते हैं, उनको ये बातें सबसे पहले बोली जाती हैं कि तुम्हारी रमकू को मत भेजो, तुम्हारी झमकू को मत भेजो, फौज में जाके रमकू झमकू की हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों, चाहे लड़के हो चाहे लड़के हो, सभी स्ट्रॉन्ग है आज के टाइम में, और स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा आपको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस जॉब के बारे में आप फंस ना जाओ, दोस्तों सबसे पहले तो ये जॉब ACS CAPF की, SSC GD की कांस्टेबल से, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो आज भी डाला था कि कैसे कांस्टेबल से आप SI बन सकते हो मात्र 3 साल में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। लेकिन मैं बता दूं ये जॉब ऐसा है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटियाँ हैं जितनी आप किसी में नहीं होगी। आप चाहे BSF ले लो, CRPF, असम राइफल किसी में ले लो, आप ब्लैकेट कमांडो बन सकते हो, कोबरा कमांडो बन सकते हो, VIP प्रोटेक्शन बटालियन में जा सकते, RF बन सकते, SPG कमांडो बन सकते, NSG कमांडो बन सकते, निंजा कमांडो बन सकते, क्रोकोडाइल कमांडो बन सकते, और क्या चाहिए। इतने जॉब, इतने मतलब आपको जिनका फिजिकल अच्छा है वो ये बन सकते हैं, अब जिनका मेंटल अच्छा है, जिनमें दिमाग है, जिनके PCM वाले, वो RO बन सकते हैं, और भी जैसे SI बन सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। और जो और दिमाग वाले हैं जिनका पढ़ाई में अच्छा है, DSP भी बन सकते हैं, UPSC फाइट कर सकते, स्टेट पुलिस में आके वापस फाइट कर सकते, कहीं पे भी कुछ भी फाइट कर सकते। ये एग्ज़ाम आपको कहीं रोक नहीं रहा है, आपकी शुरुआत है, पहली CD है,
आप इस पर कदम रखे हो, आपको आसमान दिखने लग जाएगा, अब आपको ऊपर चलना जितना आप चाहो, ठीक है। टेंथ क्लास से आपको लेके पता नहीं कहाँ तक पहुँचा देगी दोस्तों, बहुत ही शानदार जॉब है। मैं बोल रहा हूँ, चाहे किसी भी जॉब के बारे में आप मेरे से पूछ लो, चाहे BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में अगर बात करें तो भी शानदार जॉब है, कोई कमी नहीं। अगर किसी के घर वाला बोल रहा है कि ज्वाइन नहीं करना, आपने पिछले एक साल में बॉर्डर सिक्योरिटी बारे में कुछ भी ऐसा कुछ सुना है, कुछ कोई न्यूज़ देखी है? नॉर्मल अगर आप बोलते हो कि शहीद हो जाते, अरे नेचुरल भी तो हो सकते हैं इंसान की डेथ, होते नहीं परिवार में, मतलब ये तो है नहीं कि जो केवल फोर्स में उन्हीं की मतलब वो ही शहीद होते, दुनिया में नहीं हो रहे, एक्सीडेंट नहीं हो रहे, वो तो नेचुरल। जिस दिन हमारा नंबर लिखा हुआ है लिस्ट में उस दिन हमको जाना है, ये आप मान के चलिए। आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता ऊपर वाला करने वाला सब, तो अगर जिसका भी बेटा बेटी कुछ भी अगर ज्वाइन कर रहा है उनको ज्वाइन करने दीजिए, कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। और रिस्क है तो घर पे बैठे रिस्क है, जैसे पुराने लोग बोलते थे कि लिखा हुआ लेख कभी टलता नहीं है, तो जो किस्मत में लिख दी ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने, कभी वो टलेगा नहीं। तो जय श्री राम लो और आगे चलते रहो दोस्तों। तो ज्वाइन कर लेना, BSF भी शानदार है, असम राइफल भी शानदार है, CRPF की जॉब भी अच्छी है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ, ITBP की जॉब भी अच्छी है। अब होता क्या कि इसमें आप एज ए कॉन्स्टेबल भर्ती होते हो दोस्तों, एज ए कॉन्स्टेबल भर्ती होने के बाद में एक साल की ट्रेनिंग के बाद में ही आपको इतना टाइम मिलता है कि आप पढ़ाई कर सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कईयों के परिवार की स्थिति बहुत ख़राब है, तो आप अगर आज ज्वाइन नहीं करोगे, कल वैकेंसी की आप उम्मीद देख रहे हो, तो क्या पता कल आपका सिलेक्शन होगा। आपको पता है कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो 5-5 साल तक अटकी रहती है, 5 साल तक आपके परिवार की कंडीशन क्या हो जाएगी, तो इसलिए पहले ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये जो लड्डू मिला है इसको खा लीजिए, देख लीजिए इसका स्वाद कैसा है, ठीक है। फिर और कोई रसगुल्ला वसगुल्ला मिलता है तो उसको भी खा लेंगे बाद में, कौन सा इससे डायबिटीज हो रही है, एक लड्डू तो है, खा लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और आगे जाके पढ़ाई करिए। आपको जीवन में बहुत मौके मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे जो आप कर सकते हो पढ़ाई की बदौलत। SI का एग्ज़ाम दे सकते हो, हवलदार का एग्ज़ाम दे सकते हैं, RO रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिनका फिजिकल अच्छा है वो मैंने बोला कि कमांडो बन सकते हैं, इतने प्रकार के कमांडो है, तो आपके कई सपने पूरा कर देगी ये वर्दी, ठीक है। जो लोग जलते हैं ना उनको जलने दो, ठीक है, कि जो हमें बदनाम कर रहे हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं, जो हमें बदनाम कर रहे हैं उनके शहर में चर्चे कराने हैं, और जो हमसे जलते हैं उनको और जलाने हैं, तो उनको जलाना दोस्तों। जलन के मारे ऐसे बोलते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फोर्स होती क्या, उनको BSF के बारे में अगर जो आपको बोलता है BSF की जॉब अच्छी नहीं, तो भाई बता क्यों नहीं अच्छी है, उसको कुछ पता ही नहीं है, 100% गारंटी उसको कुछ नहीं पता। CRPF की जॉब अच्छी नहीं, क्यों नहीं अच्छी है, कि CRPF नक्सल में काम करती है या कश्मीर में काम करती है, अरे बहुत साइंटिफिक बात बता दी आपने, कश्मीर में काम करती है CRPF पूरे देश में काम करती है, तो कश्मीर में ही क्या, कश्मीर, छत्तीसगढ़, जम्मू सब जगह करती है, उसमें क्या शक है, काम करती तो अच्छी बात है ना, काम करती है। एक तरफ से तो आप भी बोलते हो कि फोर्स पे आपको प्राउड है, और जब आपका बेटा बेटा कोई लग गया उस समय बोलते हो अरे, तो ज़्यादातर लोग आपको नेगेटिविटी वही बताते हैं जिनको पता ही नहीं है असलियत में फोर्स कैसी है। फोर्स बहुत ही शानदार है, आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। अगर आप किसी डर की वजह से कि ट्रेनिंग हार्ड होगी नहीं होगी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया कि ट्रेनिंग क्या होती है, इसके बारे में वीडियो आने वाला है, आप देखिए ट्रेनिंग कैसी होती है, आपको पता चल जाएगा। आप कोई भी नहीं डरोगे, मेरी गारंटी है, आपके घर वालों को भी बोल दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके किसी के भी घर वाले देख रहे हैं SGD कैंडिडेट जो ज्वाइन करने वाला, तो मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं, ज्वाइन करने दीजिए, बहुत अच्छी जॉब है। ज्वाइन करने के बाद में आपके परिवार के भी मतलब अच्छे दिन शुरू होंगे, और आपकी स्थिति में बदलाव आएगा, आपका भी माइंड थोड़ा खुलेगा, बड़ा होगा, आप दुनिया देखोगे, कितना मौका मिलता है। मैंने 3-4 साल की सर्विस में 14 से 15 स्टेट में मैं काम कर लिया हूँ, तो क्या बाकी किसी जॉब में मिलता है ऐसा अवसर, या घर पर बैठ रहता तो मिलता है ऐसा अवसर, नहीं मिलता दोस्तों। तो इस प्रकार के मौके मिलते हैं जॉब, इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें कोई लाइफ नहीं है, कैसे लाइफ नहीं है आज के टाइम में, मैं बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, अगर 20 साल की सर्विस है उसमें 10 साल तो आपको फैमिली रखने की परमिशन मिल ही जाती है, चाहे इनमें से कोई सी भी जॉब हो, मिनिमम आपको 10 साल की फैमिली परमिशन मिल ही जाती है 20 साल में, तो 10 साल फैमिली के साथ रह लिए, अगर 10 साल दूर रह लिए उसमें से हर 3 महीने, जैसे अब 100 दिन की भी छुट्टी होने वाली, तो 3 महीने 3.5 महीने अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, और क्या करना चाहते हो आप, और कैसी फैमिली लाइफ होती है। हमारे जो पिताजी जो किसान खेती काम करते हैं, अरे वो रात दिन वहाँ पर तड़पते रहते हैं, तो उससे तो अच्छी है, लॉकडाउन जैसी स्थिति में क्या हाल हुआ लोगों का, हैं, देशभक्ति आपको इज्जत सम्मान कितना देती है वर्दी, पैसा अपनी जगह है लेकिन इज्जत कमाई नहीं मिलती जितनी इज्जत इस वर्दी की वजह से मिलती है। तन पर पहन लो ना ऐसे चमकता है तन, ठीक है, अभी माँ या डर रही है ना, जिस दिन वर्दी पहन के फोटो भेजोगे ना घर पर,
देखना कैसे खिलखिला के खुश हो जाएंगे, माँ से बहन, बहन से भाई, सबके पास चलती रहेगी फ़ोटो, स्टेटस पे मार देंगे सब। और वो फौज वाले एक 47 दो दो जिप्सी काली, तेरे चक्कर में जानी के केस पड़ गए 40, वही गाना लगाएंगे सभी। तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों।